गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज राजेश गौतम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मोटर साउंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिस चैनल पे हम जनरली टू स्ट्रोक के बारे में बातें करते हैं और टू स्ट्रोक से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज रहती है उनके प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, मैं आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक ले रहा हूँ। बहुत बेहतरीन इसलिए क्योंकि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने, एक बंदे ने परेशान करके रखा था। वो हमेशा मुझे मैसेज करता था कि भैया आपने RXG के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। बार बार मुझे मैसेज करता था, जब भी कोई नया वीडियो मेरा अपलोड होता था वो मुझे ये जरूर मैसेज करता था कि भैया अभी तक आपने RXG पर वीडियो नहीं बनाया। और मैं उसे हर बार कहता था कि ठीक है, पक्का पक्का बनाऊंगा, पक्का वीडियो आएगा। तो दोस्त, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने काफ़ी डिले कर दिया आपके इस वीडियो को लाने में। तो चलिए, आज आपके ही बारे में बात करेंगे, आपके उस RXG गाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो थी RXG, RX 100 के बाद का संस्करण था जो 1997 में लॉन्च हुआ था। ये 1996 और 97 के बीच में ये गाड़ी लॉन्च हो गया था। RX सीरीज का ये नेक्स्ट वर्जन था RX 100 के बाद का। तो चलिए बताते हैं कि RXG में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। RXG में कुछ चीज़ें थी जो चेंज थी RX 135 के कंपैरिजन में। यानी ये कहें कि RX 100 और RX 135 के बीच का वो वर्जन था। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस थे उस गाड़ी में, और वो गाड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। कुछ प्रॉब्लम उस गाड़ी में आते रहा। तो देखिए क्या क्या उस गाड़ी में चेंज था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उसका हेड, अगर आप RX 135 के हेड को और RXG के हेड को चेक करेंगे अच्छे से और उसको प्रॉपरली थॉरली उसको उसका मेजरमेंट लेंगे तो आप पाएंगे कि RXG का जो हेड है RX 135 से थोड़ा छोटा है साइज़ में। ये समझ लो कि RX 100 से उसका हेड थोड़ा ही बड़ा था। इनफैक्ट बहुत सारी RX 100 में RXG का हेड लग जाता है। 135 का लगाने पे गाड़ी थोड़ी सी ऊपर से लीकेज होने लगती, ऑयल लीकेज होने लगता है। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये था। दूसरा चेंजेस था उसका मैग्नेट। उसमें जो मैग्नेट लगा था वो मैग्नेट कहीं ना कहीं उस गाड़ी में प्रॉब्लम करता था, इशू करता था। उसमें जो आया था मैग्नेट, 135 स्टाइल का एक मैग्नेट लगा था, मैग्नेट में भी कुछ ना कुछ इशू आता था क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी के क्रैंक के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम थी। कहीं ना कहीं गाड़ी जो गाड़ी का एक्सेलरेशन था वो मिसिंग होता था। तो क्यों होता था, उसका कारण मैं बताता हूँ कि अगर RX 100 में राइट हैंड साइड में देखा जाए तो 4 प्रेशर प्लेट और 5 क्लच प्लेट आती थी, वहीं RXG में 6 क्लच प्लेट और 5 प्रेशर प्लेट आई। अब क्या हुआ कि RXG का जो बेल था RX 135 के बेल के कंपेरिजन में थोड़ा वेट वाइज कम था, और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। उसके प्राइमरी गियर को बड़ा कर दिया गया था। उसमें आप देखेंगे तो 22 जो उसके दाते कहेंगे वो 22 दाते का था, और जो बड़ा वाला गियर था वो छोटा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं गाड़ी का जो अलाइनमेंट है, जो रोटेशन है, दोनों साइड का जो बैलेंसिंग है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको बोलते हैं ना, वो पोजीशन नहीं बना पाता था। मतलब इस साइड मैग्नेट का वेट कहीं और जा रहा था, क्लच बेल का वेट कहीं और जा रहा था, गाड़ी कहीं ना कहीं मिसिंग कर रही थी। तो कंपनी ने क्या किया कि बहुत सारे कस्टमर के मैग्नेट को चेंज किया। मैग्नेट को चेंज करके उन्होंने RX 100 वाला 4-hole मैग्नेट लगा दिया। बहुत सारी RXG में आपने देखा होगा कि 4-hole वाला मैग्नेट लगा है जो RX 100 में आता है। ये वाला मैग्नेट कंपनी ने बाद में उसमें लगाया रिप्लेस करके। देखिए इसमें 4-hole, ये मैग्नेट RX 100 का, यही मैग्नेट RXG में उन्होंने बाद में रिप्लेस करके उस मैग्नेट को निकाल के इस मैग्नेट को लगाया, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उसमें जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, और जो गाड़ी का एक्सेलरेशन है वो प्रॉपरली हुआ, गाड़ी मिसिंग करना कम हुई। तो बहुत सारी गाड़ियां जो हैं RXG जिनमें वो मैग्नेट चेंज नहीं हुआ, लोगों को पता ही नहीं था, लोग चला रहे थे। और कुछ RXG तो इतनी बेहतरीन है कि उनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा, बढ़िया चल रही है। आई डोंट नो कि उनका कैसे क्या वो उसमें वो बैलेंसिंग हुआ और वो गाड़ी क्यों इतनी अच्छी चल रही है। अभी तक उसका कुछ बहुत ज़्यादा डीप निष्कर्षण निकाल नहीं पाए। तो मैं आपको बता दूं कि RXG में इस तरह के कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, थोड़े मोटे उसमें फ़र्क थे, और ज़्यादा कुछ नहीं। कार्बोरेटर सेम था, हेड डिफरेंट था, इवन जो सिलेंडर है वो भी ऑलमोस्ट सेम था, क्रैंक सेम था, सिर्फ क्लच बेल, मैग्नेट और हेड, ये 3 चीज़ों में डिफरेंस था, जिसकी वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ऑब्स्टेक होता था। तो अब इस चीज़ को कैसे सही किया जाए, इस पर जाते हैं। या तो आप RXG को RX 135 में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला तो मैग्नेट बदलना पड़ेगा, 135 का मैग्नेट लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, आपको क्लच बेल और प्राइमरी गियर बदलना पड़ेगा। ये क्लच बेल और प्राइमरी गियर आपको
एक्चुअली ये क्लच बेल प्राइमरी गियर RX 100 का है, आपको RX 135 का ऐसा प्राइमरी गियर और क्लच बेल लगाना पड़ेगा। दो चीज़ें चेंज हो गई, एक मैग्नेट, एक क्लच बेल प्राइमरी गियर। तीसरी चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी आपका हेड, ये वाला, ये हेड आपको 135 का लगाना पड़ेगा। बस इतने चेंजेस आपको करने हैं। और एक चीज़ छूट जाती है, और एक चीज़ क्या छूट जाती है कि जो ऑयल पंप होता है, ऑयल पंप में जो गियर चलता है वाइट कलर का अंदर प्लास्टिक वाला, वो गियर RXG का छोटा आता है, 135 का बड़ा आता है, तो आपको वो गियर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो गियर तब इस प्राइमरी गियर पे अच्छे से नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्राइमरी गियर का साइज छोटा हो जाएगा तो गियर का साइज बड़ा चाहिए, तो वो वाइट वाला प्लास्टिक गियर आपको बदलना पड़ेगा। इतनी चीज़ आपको बदलने की ज़रूरत है, फिर आपकी RXG टोटली RX 135 में कन्वर्ट हो जाएगी और वैसी ही चलेगी जैसे 135 चलती है। अगर आप RX 135 में उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप RX 100 में कन्वर्ट कर लीजिए। उस कंडीशन में आपको दो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये वाला मैग्नेट RXG में लग के आया तो ठीक है, मैग्नेट बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्रैंक चेंज करना पड़ेगा। अगर क्रैंक भी आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें 100 RX 100 की कनेक्टिंग रॉड लगा लीजिए, तो क्रैंक भी चेंज मत कीजिए। क्लच बेल आपको RX 100 का लगाना पड़ेगा, ऐसा वाला, और प्राइमरी गियर भी, और वो वाइट वाला ऑयल पंप का गियर भी। हेड बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेड ऑलमोस्ट RXG और RX 100 का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, छोटा बड़ा है, लेकिन 100 का थोड़ा छोटा है RXG का, तो पर RXG का हेड उसमें लग जाता है। नेक्स्ट उसमें क्या बदलना पड़ेगा, आपको सिलेंडर किट बदलना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर जो है वो 132 cc का है, आपको 100 cc लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपकी गाड़ी RX 100 बन जाएगी। RX 100 बनाने में थोड़ा खर्चा पड़ जाएगा, RXG बनाने में भी आपको ऑलमोस्ट वैसा ही, RXG को RX 135 बनाने में भी आपको खर्चा जाएगा, क्योंकि आपको मैग्नेट बदलना पड़ेगा, आपको क्लच बेल बदलना पड़ेगा, आपको प्राइमरी गियर बदलना पड़ेगा, हेड बदलना पड़ेगा। तो दोनों को कन्वर्ट करने में ऑलमोस्ट जो बजट है वो सेम है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आपकी RXG बहुत अच्छी चल रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो बिंदास चलिए, फिर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा वीडियो RXG के ऊपर, और भाई साहब आपने मुझे काफ़ी दिनों तक मैसेज करते रहे, कंटिन्यूसली मैसेज करते रहे, और हमेशा मैसेज के बाद लिखते थे भैया प्लीज़ कब बना रहे हो। तो ये रहा आपके RXG के बारे में वीडियो जो आप जानना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।